So hello dear students, in this video we are going to discuss about registration question under GST. अगर इसके पहले आपने कोई वीडियो देखा नहीं होगा रजिस्ट्रेशन का, तो अपने चैनल पे रजिस्ट्रेशन का वीडियो है जीएसटी का, उसके लिए कितना लिमिट होता है वगैरह सब उसमें डिस्कस किया है। इस क्वेश्चन में मैं फिर से डिस्कस करूंगा, तो आपको ये आराम से समझ में आ जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। ये टीवाई बीकॉम को क्वेश्चन पूछा हुआ है इन द ईयर 2023 फॉर 10 मार्क्स। ओके, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन टीवाई बैफ को भी आ सकता है और टीवाई बीएमएस को भी आ सकता है। तो थोड़ा सा मैं उसको जूम आउट करूंगा, ठीक है। चलो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4D। मेसर्स आनंद एंड कंपनी इज कैरिंग बिजनेस इन मुंबई ऑफ सेलिंग ग्रोसरीज। पहली बात, बहुत से स्टूडेंट डाउट पूछते हैं कि गुड सर्विस कैसे समझेगा, तो बेटा इधर देखने का, क्या लिखा है, ग्रोसरी ना, ग्रोसरी का मतलब क्या आएगा, गुड्स। ओके, किराना माल का सामान वगैरह, तो गुड्स के अंडर आएगा। और गुड्स का लिमिट आपको पता है, अगर गुड्स सप्लाई कर रहे हो तो लिमिट कितना है, 40 लाख। ओके, फॉर नॉर्मल स्टेट। अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट रहेगा तो उसका लिमिट है 20 लाख, ठीक है। द कंपनी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 6th February 2023। हिज टर्नओवर इज एज फॉलोज। तो आर दे लायबल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, इफ येस फ्रॉम वेन, ठीक है। तो सच में रजिस्ट्रेशन करना है क्या और कब से करोगे, वो उसको आपको बताना है, ठीक है। तो मैंने इसका आपको रूल्स वगैरह ऑलरेडी पहले एक वीडियो में बताया, तो वो वीडियो जाके देख लो, फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। चलो क्वेश्चन में क्या दिया है, डेट, अलग अलग डेट दिया है आपको। यहाँ पे बाजू में लिखा है टैक्सेबल सप्लाई विद इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सो विद इन महाराष्ट्र सप्लाई का वैल्यू लिखा हुआ है उसने, और अपने को सप्लाई चाहिए होता है। अभी बाजू में लिखा है एक्सपोर्ट सप्लाई, तो हाँ भाई साहब, ये कॉलम भी आएगा, एक्सपोर्ट सप्लाई का कॉलम भी आएगा, बिकॉज एक्सपोर्ट हो तो वो भी टर्नओवर में इंक्लूड होता है। एग्जेम्प्ट सप्लाई का कॉलम भी आएगा, तो आपको ऐसे एक एडिशनल कॉलम देते हैं कभी कभी पागल बनाने के लिए, लेकिन तीनों टाइप का सप्लाई यहाँ पे आने वाला है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। ये सॉल्व करने के बाद आपको क्या ढूंढना है कि रजिस्ट्रेशन करना है या नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखा दूँ, ठीक है। सो लेट्स बिगिन द सोल्यूशन। क्वेश्चन 4D सॉल्यूशन आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे स्क्रीन पे। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो स्टार्टिंग में, मेसर्स आनंद एंड कंपनी इज लायबल टू गेट रजिस्टर्ड इफ देयर टर्नओवर एक्सीड्स ₹40 लाख। अभी 40 लाख क्यों, क्योंकि गुड्स है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ चुका है ऑलरेडी, स्टार्टिंग में मैंने बताया था। उसके बाद डेट का कॉलम लिखा, जैसा है वैसे पूरा लिख दिया। टैक्सेबल सप्लाई विद इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, तो वो पूरा लिख दिया, ठीक है। एक्सपोर्ट सप्लाई एक ही था तो एक ही लिखा, बाकी सब डैश। एग्जेम्प्ट सप्लाई जो दिया था वैसा लिखा, सेम टू सेम क्वेश्चन जैसा। देखो 1, 2, 3, 4, ये चारों कॉलम जैसा है क्वेश्चन में वैसे छाप देने का, ठीक है। उसके बाद अगला कॉलम आप लोग देख सकते हो, टोटल सेल्स और एग्रीगेट टर्नओवर। ये कैसे मिला, 1, 2, 3, ये तीन कॉलम्स का टोटल। ओके, ये अभी बाद में देखते हैं, इसके तरफ देखो भी मत अभी फिलहाल, इसको थोड़ा सा मैं ढक लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फोकस करना, एक ब्लैंक पेज मिलेगा क्या, ठीक है, ये थोड़ा ब्लैंक पेज है उससे ढक लेता हूँ, ताकि आपको ज़्यादा यहाँ पे ध्यान देना ना पड़े। ओके, पहला देखो, 3,14,8,12,421, टोटल कितना आता है, 11,47,400। 3,04,000 ये डैश है, तो टेंशन नहीं है। इसका और इसका टोटल 3,36,000, इसका और इसका टोटल 3,03,000, इसका और इसका टोटल 3,88,000, इन दोनों का टोटल 7,04,000, इन दोनों का टोटल इधर डैश ही है, नो टेंशन, 3,12,000, इसका और इसका टोटल 2,95,000। आई होप आपको ये कॉलम समझ में आया होगा, तीनों कॉलम का टोटल इस कॉलम में लिखोगे, ठीक है। लेकिन टोटल ध्यान से करना, कहीं पे भी मिस्टेक मत कर देना प्लीज़, हाथ में मार्क्स से आपके 10 मार्क, यहाँ पे पागलपंती मत करो कोई भी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी ये लास्ट वाला कॉलम लिखा है, कुमुलेटिव टर्नओवर। अभी ये कुमुलेटिव टर्नओवर कैसे आता है, बहुत से लोगों को पहले से पता रहेगा, मैथ्स बीच में आपने पढ़ा रहेगा। कुमुलेटिव अभी सिर्फ ये दो कॉलम के ऊपर ध्यान देना, ठीक है। चलो पहला देखो, 11,47,400, इन तीनों का काम हो चुका है, ठीक है, इग्नोर मारो अभी। इधर दोनों के तरफ देखो, ये पहला है वही आएगा सेम टू सेम। अगले इसमें क्या होगा, देखो ये 11,47,400 है, ठीक है, उसमें ऐसा मैंने एरो किया, ये ध्यान से देखना, इसमें ये ऐड होगा और ये अमाउंट आएगा।
ओके अभी अगले इसमें क्या होगा, 14,83,400 में ये अमाउंट ऐड होगा और ये आंसर आएगा। अभी अगले वाले में भी इसमें अगला ऐड होगा और ये आंसर आएगा, इसमें अगला ऐड होगा ये आंसर आएगा, इसमें अगला ऐड होगा और ये आंसर आएगा, इसमें अगला ऐड होगा और ये आंसर आएगा। ठीक है, सो आपका लास्ट देखो, ये कुमुलेटिव करने के बाद स्टेप बाय स्टेप लास्ट आंसर आपका क्या आता है, 34,85,400। सिंपल है, आगे का टर्नओवर उसमें प्रीवियस टोटल में ऐड करते जाना है। तो देखो कुछ भी करके आपका 40 लाख के ऊपर जा रहा है क्या, नहीं, लास्ट आपका 34,85,400 आ रहा है, लेकिन अपने को चाहिए 40 लाख के ऊपर। इसका मतलब जो सॉल्यूशन में मैंने लिखा है लास्ट में, द एग्रीगेट टर्नओवर इज लेस देन ₹40 lakhs, हेंस मेसर्स आनंद एंड कंपनी इज नॉट लायबल टू गेट रजिस्टर्ड अंडर GST। तो भाई साहब को रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये जो अमाउंट है इट इज़ लेस देन 40 lakhs। अगर ये 40 लाख के ऊपर जाता तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता। ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने इस यूट्यूब चैनल पे सॉल्व किए हुए हैं, तो वहाँ पे आप ये वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, एक बार जूम आउट करता हूँ ताकि आपको पूरा सॉल्यूशन एक पेज पे दिख सके। ओके, सो ऐसे इन शॉर्ट टेबल ड्रॉ करो, पहले एक मिनट थोड़ा और जूम आउट करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा और, यस। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट निकालो, फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो, ओके, क्वेश्चन के साथ, तब कि आपको भी समझ में आ जाएगा। ओके, डेफिनेटली 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, प्रीवियस क्वेश्चंस भी देख लेना अपने चैनल पे जो है। ठीक है, एंड कीप फॉलोइंग, कीप सपोर्टिंग भागवेश्वर ज्ञानदीप कॉमर्स क्लासेस। थैंक यू सो मच।